उत्तर प्रदेश चुनावों के पांचवें चरण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को बहराइच में रैली को संबोधित किया। गधे वाले बयान को लेकर मोदी ने अखिलेश को जवाब दिया। पीएम ने कहा, मैं गर्व से गधे से प्रेरणा लेता हूं और देश के लिए गधे की तरह काम करता हूं। 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। गधा वफादार होता है, उसे जो काम दिया जाता है वह पूरा करता है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने सेना पर हमला कर दिया। इस हमले में 4 जवान शहीद हो गए जबकि 1 महिला की मौत हो गई। क्रॉस फायरिंग के दौरान सेना के 7 जवान गोलियां लगने से घायल हो गए। आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने हमले की जिम्मेदारी ली है। बीएसएफ ने हाईकोर्ट में दिए अपने हलफनामे में तेज बहादुर यादव पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बीएसएफ ने दावा किया है कि तेज बहादुर को अनुशासनहीनता के लिए 4 बार दंडित किया जा चुका है। दरअसल तेज बहादुर की दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए बीएसएफ से जवाब मांगा था। पांचवें चरण के मतदान से पहले महाराजगंज जिले के सिसवा में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल और अखिलेश पर जमकर हमला बोला। शाह ने कहा कि गठबंधन के एक नेता अखिलेश यादव से पिता परेशान है तो राहुल गांधी से माँ परेशान है और इन दोनों से यूपी परेशान है। बीएमसी पुणे और नागपुर समेत महाराष्ट्र की 10 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में हुए चुनाव के गुरुवार को रिजल्ट आ गया है। शिवसेना मुंबई ठाणे में सबसे आगे है, वहीं बीजेपी दूसरे नंबर पर। बीजेपी ने नागपुर, नासिक, पुणे, पिंचरी, चिंचवड़, उल्लासनगर, अकोला, अमरावती और सोलापुर में बेहतर परफॉर्म किया है। पाकिस्तान के लाहौर में भीषण बम धमाके में 7 लोगों की मौत हो गई है। करीब 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पिछले 2 हफ्ते के दौरान 4 अलग अलग आतंकी वारदातों में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौतें पाकिस्तान में हो चुकी है। बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया से बीजेपी विधायक विनय बिहारी जब गुरुवार को विधानसभा पहुंचे तो सबकी नजरें उनकी तरफ ही उड़ गईं। दरअसल विधायक हाफ पैंट और बनियान पहने हुए थे। विधानसभा के गेट से दंडवत होते हुए सदन तक गए, फिर इसी तरह सदन में अपनी कुर्सी तक। मीडिया के सवाल पर विनय बिहारी ने कहा कि मैंने अपने क्षेत्र की खस्ताहाल सड़क बनवाने के लिए गांधीगिरी का ये तरीका अपनाया है। दूसरे विश्व युद्ध पर आधारित रंगून में रिलीज से कुछ समय पहले ही कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इससे फिल्म की अवधि करीब 13 मिनट कम हो गई है। एक खबर के मुताबिक फिल्म में करीब 70 शॉट्स हटाने के बाद ही सेंसर बोर्ड ने इसे रिलीज करने की इजाजत दी है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच गुरुवार से शुरू हुए पहले टेस्ट का पहला दिन भारतीय टीम के नाम रहा। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया के 9 विकेट गिरा दिए। दिन का खेल खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 94 ओवर्स के बाद 9 विकेट खोकर 256 रन बनाए। लगातार 6ठे कारोबारी सत्र में घरेलू मार्केट बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में प्रॉफिट बुकिंग की वजह से सेंसेक्स 28,892 अंक पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 13 अंक की बढ़त के साथ 8,939 के स्तर पर बंद हुआ।